जस्ट रिकॉल, हमने ये जहाँ आके कल अटक गया था, ये तो हमारा बीपी थ्योरम रही थी और इसकी एप्लीकेशन हम देख चुके थे. सो चेक दिस आउट, एक बार इस क्वेश्चन को. चेक करो, ये तो समझ आ गया था ना, फ्रॉम वन एंड टू जो हम इस कंक्लूजन पर आ गए थे कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर के, बट एट द सेम टाइम रिमेम्बर अभी ये हाफ प्रूफ हुआ है क्योंकि वन साइड पैरेलल हुई है पी क्यू आर एस की. तो अब आप सिमिलरली दूसरा डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये और ये पैरेलल. सर क्यूआर विल बी पैरेलल टू पीटीएस। यस, तो अल्टीमेटली ये और ये पैरेलल हो जाएंगे, यस सर। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हेंस पैरेलल होगा. अरे एक सेकंड रुकना जाएगा जरा, एक मिनट. दिख रहा है स्क्रीन? चलो चेक करो जरा ये वाला क्वेश्चन. डायग्राम बना देता हूं. ए बी सी डी इज आर ट्रेपीजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी. तो चलिए ये ले लिया और हमें ए बी सी डी लेना है, कहीं से भी वो ले सकते हैं. तो ये ए बी सी डी पैरलोग्राम है, ए बी पैरेलल टू सी डी. ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी. कहीं पर भी पॉइंट दिए हैं, ये देखो मिड पॉइंट बिल्कुल नहीं कहा है. तो मान लो ये रहा कहीं पर भी पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ कैसा है ऑन द साइड बी सी सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी. तो ई एफ और आपको ई एफ ए बी के पैरेलल दिया है. तो व्हाट डज दिस इंप्लाई, पहली बात इनसे क्या पता चला इन लाइंस को देखकर कि ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी लाइंस. यस सर, यस सर, थोड़ा म्यूट हो गया. हाँ, अब आपको ये रिजल्ट शो करना है. तो ए ई बाय ई डी इज बी एफ बाय एफ सी. सोचिए जरा कैसे कर सकते हैं. एक सिंपल कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ये हटा देता हूँ, ये समझ पता ही चल रहा है कि तीनों पैरेलल हैं. आई विल टेक डू वन सिंपल कंस्ट्रक्शन, कोई भी एक डायगोनल ये ज्वाइन कर बस. और इस पॉइंट को चलो मैंने कह दिया पॉइंट जहां कट करा जी. तो अब आप जरा चेक करो इन ट्राइंगल ए डी सी What is AE by ED? ADC, ADC, sir, AE by ED, sir, AG by GC. आ गया ये वन. Yes, sir. अब फोकस करो इन ट्राइंगल CAB. ट्राइंगल CAB,
व्हाट इज, कोई भी ले लो, जैसे मैंने कहा ए जी बाई जी सी को ही सोचो, हो गया बी एफ बाई एफ सी. आई थिंक यू हैव द आंसर. कंपेयर करो जरा दोनों को, रिलेशन नंबर वन एंड टू, ये और ये सेम है. Yes, sir. इसका मतलब ए ई बाई ई डी ये रहा और ये आ गया बी एफ बाई एफ सी. तो एक सिंपल कंस्ट्रक्शन इम्पॉर्टेंट थी, उसके बाद तो आराम से हो गया. ओ डायग्राम लिया हुआ था, चलो ठीक है, चेक दिस आउट. अब ये इसका कन्वर्स क्वेश्चन है, पढ़ो पहले समझो. एबी पैरेलल टू डीसी है, चलिए ट्रेपेजियम में, एंड डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ. यू आर टू प्रूव दिस रिजल्ट. और इसको एज अ रूल की तरह हम एक्चुअली याद भी करने वाले हैं. क्या हुआ, ए ओ बाय ओ सी किसके इक्वल, बी ओ बाय ओ डी. तो एज अ रूल भी हम याद करेंगे. तो अब इसको जस्टिफाई करने के लिए आप एक काम करो, एक सिंपल कोई भी एक कंस्ट्रक्शन हम कर देते हैं. और यहां में देखो मैंने क्या कंस्ट्रक्शन करा है, O से आप ओ ई ड्रॉ कर दो, लेट्स से ए बी के पैरेलल. ओ ई मैंने कहा, मैंने ड्रॉ कर दिया ए बी के पैरेलल, ऑफ कोर्स तीनों लाइंस पैरेलल हो गई. ए बी पैरेलल टू ई ओ पैरेलल टू डी सी हो जाएगा. कंस्ट्रक्शन क्या करा है, ओ ई पैरेलल टू ए बी. तो ये तीनों लाइंस पैरेलल हो चुकी हैं. अब जरा ध्यान से फोकस करो, वही ट्राइंगल को विजुलाइज करना है. ये जो मैंने ई ओ ड्रॉ करा है, ये किस ट्राइंगल में मुझे दिख रहा है, एक दिख रहा है डी ए बी, देख पा रहे हो डी ए बी. और अब आपको पता है कि अगर लाइन पैरेलल जा रही होती है तो कैन आई से डी ई बाय ई ए कितना हो गया, यहाँ मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए एक्चुअली, दिख रहा है ना. yes, sir. तो मैं क्या करता हूँ, इसका रेसिप्रोकल को लिख लेता हूँ एक्चुअली, मतलब ए ई बाय ई डी लिख लेते हैं. वो कितना आ गया, बी ओ लिख दिया रेसिप्रोकल को, और यहाँ लिख दिया मैंने ओ डी लिख दिया. चलिए ये वन आ गया. अब किस ट्राइंगल की बात करूंगा, ए डी सी. ए डी सी परफेक्ट. अब इस ट्राइंगल में सीधा व्हाट इज ए ई बाय ई डी विजुलाइज कर लिया होगा. ये सर मुझे पता चल गया सर, ए ओ बाय सी ओ. ए ओ बाय सी ओ या ओ सी लिख दिया डायरेक्ट. फ्रॉम वन एंड टू यू हैव द डिजायर्ड रिजल्ट. अच्छा यहाँ हमने ये जो लिखा है, थेल्स थ्योरम यूज किया है या बीपीटी किया है या कन्वर्स ऑफ बीपीटी. बीपीटी किया, बीपीटी में ये होता था. कन्वर्स में क्या था कि अगर रेशो सेम है तो लाइंस पैरेलल होंगी. ठीक है, याद आ गया. तो हमने डायरेक्ट बीपीटी को अप्लाई किया है. अब इसी क्वेश्चन का देखो, ये रिवर्स क्वेश्चन है. अब स्पेशल चीज पढ़ो, यहां ट्रेपीजियम नहीं लिखा हुआ है,
ये तो आपको शो करना है. डायग्राम देखकर एक मिसकंसेप्शन हो सकता है कि ये ट्रेपीजियम है, जबकि ऐसा नहीं है. आपको नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल दिया है, डायगोनल उसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओके ऊपर, और अब आपको वही रिवर्स कंडीशन क्या गिवन है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. तो अब आपको वही जस्टिफाई करना है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम. चेक दिस आउट. आई होप ये डायग्राम से ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि कोई एक हमने कंस्ट्रक्शन करा है. तो मान लीजिए मैंने एज्यूम कर लिया कि मैंने ई ओ जो है वो से डी सी के पैरेलल ड्रॉ कर, मैं इसके पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू सी डी. तो अब कम से कम जो मैंने लेबलिंग कर दिया उसके हिसाब से मैं एक ट्राइंगल तो सीधा देख रहा हूं एडीसी, उसमें व्हाट इज ए ई बाय ईडी, AO by OC already इसके इक्वल गिवन है. AO by OC दिया हुआ है, BO by OD. From one end to मुझे क्या पता चल गया, चलो कंपेयर किया, AE by ED किसके इक्वल आ गया, BO by OD. AE by ED BO by OD. Look at the triangle DAB. ये इसमें हो गया. कौन सा ट्राइंगल? DDAB. हाँ, फोकस करो. अगर अब आप जब विजुलाइज करें इस ट्राइंगल को DAB, ये रहा. इस ट्राइंगल में ये चीज हो रही है नहीं हो रही? AE by ED किसके इक्वल आ गया? BO by BE DO. तो अगर ऐसा हो जाता है, रेशियो अगर सेम आ जाती है तो लाइन कन्वर्स हो जाता है सर, पैरेलल हो जाते. तो ये हमने अब यहाँ लगा है यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT. ये हो गया. अब सोच के देखिए, EO CD के पैरेलल था, EO मैंने जस्टिफाई कर दिया AB के भी पैरेलल, तो EO पैरेलल टू CD था और वो आ गया AB के पैरेलल, दैट इज AB इज पैरेलल टू CD और ABCD क्या हो गया, अपोजिट, बस पैरेलल साइड आ गई. One side of quadrilateral is parallel, hence it's a trapezium. Proved. पक्का क्लियर है ना? सर क्लियर. Check this up. हाँ जी, समझ आ रहा है? यस सर. तो अब हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी ट्रेपीजियम है और ये डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो ओ ए बाय ओ सी किसके इक्वल होगा? ओ ए बाय ओ सी सर बी ओ बाय ओ डी.
चेक करो, सारी वैल्यूज दी हुई है, ए ओ 3x-1 That's it. ये गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई, गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सॉल्व कर देंगे, ठीक है. तो क्वाड्रेटिक वगैरह बना के सॉल्व किया, एक्स आ रहा है 2 और 1/2. जस्ट टू सेव द टाइम ये मैं आपको आंसर बता रहा हूं, बट क्या ये दोनों में आंसर होंगे या नहीं होंगे ये कैसे सोचा जाएगा. भाई एक्स की वैल्यू 2 आ गई एंड 1/2, तो देखने से ऑब्वियसली ये लग रहा है कि यस देयर इज नो इश्यू, दोनों आंसर हो सकते हैं एक्चुअली. बट अगर आप चेक करो व्हेन एक्स इज 1/2, 1/2 के ऊपर व्हाट इज ओडी? ओडी 6x-1. ओडी ये हो जाएगा, मतलब -2, नेगेटिव लेंथ, नॉट पॉसिबल. देयरफॉर रिजेक्टेड. तो अब आप सोच के चलो, जब एमसीक्यू में मान लो ये क्वेश्चन आया तो आपके पास ऑप्शन दी होंगी, आंसर इज 2, 1/2, 2 और 1/2 से none of these. Generally ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम होगा. तो जैसे ही आपका आंसर आया होगा 2 और 1/2, तो यू कुड हैव मार्क्ड दैट आंसर. यहीं पर एक ट्रिक लॉजिकली सोचना है कि भाई एक्स जो है वो लेंथ को पार्ट का है, एक्स लेंथ का पार्ट है, तो इसलिए सब में पुट करके देख लेना कि भाई वो पॉजिटिव ही आ रहा है या नहीं आ रहा. सो दिस इज इम्पोर्टेंट हियर. नेक्स्ट इज योर मिड पॉइंट थ्योरम. ऑलरेडी हम वैसे कर चुके हैं, आइडिया पता है ना, पिछले साल हुआ. हाँ बिल्कुल. अब वही बीपीट, आपने पिछले साल जो प्रूफ करा था वो लेंथी प्रूफ था. बीपीटी की हेल्प से हम इसको बहुत इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं. चेक दिस आउट, मिड पॉइंट थ्योरम. तो अब आपको एज अ थ्योरम एक्चुअल में इसे करना नहीं है. बेसिक आइडिया क्या है, ट्राइंगल दिया हुआ है, डी एंड ई क्या हो गए हैं, मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है. तो अब इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, ए डी जो है वो था डी बी, ए ई इज ई सी, ये तो गिवन नहीं है. तो क्या मैं इससे लिख सकता हूँ ए डी बाई डी बी, वो 1/1 आ गया बेसिकली, और ये आ गया. इससे क्या पता चल गया, अगर ट्राइंगल में ध्यान से पढ़ो, इफ द रेशियोज आर सेम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की, इस तरह से दिस इम्प्लाय DE parallel to BC. BC किस रूल से हुआ, कन्वर्स ऑफ BPT. That's it. याद है आपने 9th में तो प्रूफ कुछ इसको आगे बढ़ाया, फिर इसको ज्वाइन करा था. यस, तो हम वो ये ना, अब आप एक नई चीज पढ़ चुके हैं, इसीलिए अब वी कैन टॉक अबाउट दिस सिंपल मेथड ऑफ दिस. ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की बात हो रही है. आइडिया वही है, क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ये इसका मिड पॉइंट है, पैरेलल टू द अनदर साइड, ये और ये पैरेलल दिए हैं, कह रहे हैं वो प्रूव करो कि वो बाइसेक करता है. तो बाइसेक का मतलब ए ई प्रूव करना है ईसी के. थिंक लॉजिकली, अब अगर डी ई पैरेलल है तो
AD upon DB कितना हो गया? But AD upon DB is equal to AE upon EC. But ये कितना है? AD और DB तो बराबर थे, isn't it? Midpoint था. ये वन आ गया. Yes, sir. और क्रॉस मल्टीप्लाई हेंस टू. पढ़ लो आराम से समझो. Now, this is a tricky question. Check this out. पढ़ो जरा एक बार. डायग्राम अपने आप बनाओ. मैं डायग्राम नहीं बना रहा अभी, दिखाऊंगा बाद में. पहले अपने आप बनाओ, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में डायग्राम बिल्कुल ना दिया हो. चलो एमसीक्यू है, चल जाएगा काम अभी तो. अब जरा मैच करो. कुछ ऐसा ही सोचा है सर, ये डॉटेड लाइन नहीं बनाई? नहीं नहीं वो तो एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन है ना, ये तो अलग चीज है. बाकी यही बना सर. यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था. इट सर इफ दिस बी इज प्रोड्यूस्ड, सर इसमें ये नहीं बताया था कि अरे अगर BE प्रोड्यूस कहा है, इधर ही होगा, नहीं तो EB हो जाएगा उल्टी डायरेक्शन में ना. तो BE प्रोड्यूस यही है, F जो यहाँ आया. अब ये आपको शो करना है जो AF है वो वन थर्ड ऑफ AC है. AF इसका वन थर्ड है. एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पर. ड्रॉ DG पैरेलल टू EF. सिंपल, आगे तक बढ़ा दो ऐसे. DG पैरेलल टू EF मतलब वो G के ऊपर लाकर कहीं कट कर रहा है. अब स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं. BCF ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखो. BCF मैं हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा ना, वो बेटर रहेगा. BCF ये ट्राइंगल है, इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है. DG है ऑफ कोर्स, BF के पैरेलल हो गई ना, कंप्लीट लाइन के पैरेलल हो जाएगी राइट. तो इसमें क्या देखा मैंने के DG इज पैरेलल टू BF, देयरफॉर
बीपीडी थ्योरम से अगर लाइंस पैरेलल हैं डी, ये सर डी वो मिड पॉइंट होगा का दोबारा बोलो। सर, डी विल बी द मिड पॉइंट। डी तो भैया मिड पॉइंट पहले से ही था, एडी मीडियन है तो ये तो गिवन ही था, ये और ये तो ऑलरेडी इक्वल आपको गिवन है। मीडियन का मतलब क्या होता है? किसी भी ट्राइंग ये इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है तो यही तो मीडियन तो तभी बनेगा ना, तो ये तो ऑलरेडी पता था। बट अब जरा मैं जो लिख रहा हूँ रिलेशन इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, व्हाट इज सी डी बाई डी बी, लुक केयरफुली। सी से शुरू करा है, सी डी बाय डी बी सर, सी जी बाय एफ जी एफ सी जी बाय जी एफ जी होगा, बट सी डी किसके इक्वल है? डी बी के है या नहीं है? क्योंकि सर, डी तो मिड पॉइंट ये था, तो सर डिपेंड व्हाट इज सी डी बाय डी बी, इजंट इट वन? सर। इसका मतलब क्या हो गया, ये अगर मैं ऊपर यूज कर दूं सी जी बाय जी एफ वो भी वन आ गया, और सी जी किसके इक्वल आ गया, जी एफ के। तो मैंने क्या जस्टिफाई कर दिया, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल आ गई है। हाँ जी तो मिड पॉइंट आ गया ना, तभी तो ये इक्वल मैंने लेबल कर दिया, राइट। तो जी एक्चुअल में यहाँ मिड पॉइंट हो गया, राइट। अब मैं फोकस ए एफ और एफ जी पे करना चाहता हूं, तो मैं आपको एक ट्राइंगल, या चलो पहले आप कोई और ट्राइंगल यहां आइडेंटिफाई कर पा रहे हो जिसके अंदर ये ए एफ और एफ जी इन्वॉल्व हो रहा हो। एडीसी, मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या कहा आपने एग्जैक्ट वर्ड? एडीसी ए डी सी, यस सर, उसमें डी जी कहाँ आ रहा है? गलत। डीजी ओके विजुलाइज, ये चेक दिस आउट, ये विजुलाइज हो गया तो आसान क्वेश्चन है बहुत। यस सर, एडीजी तो अब विजुलाइज अगर हुआ तो मैंने क्या बताया, इन ट्राइंगल ए डी जी ई एफ डी जी के पैरेलल है, ठीक है। तो अब आपके पास ए ई बाय ई डी कितना आ गया? ईडी सर, ई बाय ईडी सर, वन ईडी यार नहीं सर, ये आ गया सर, ए एफ बाय एफ जी ए एफ बाय एफ जी, रीजन आउट कर लेना, बट ए ई किसके इक्वल दिया हुआ था ऑलरेडी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो ये लेंथ और ये लेंथ तो वैसे बराबर थी, तो ए ई और ई डी इक्वल है, तो ए ई बाय ई डी एक्चुअल में वन आ गया। यस सर, ये यहां यूज करो, ए ई बाय ई डी की जगह वन लिख दिया, तो ए एफ बाय एफ जी वो भी वन आ गया, यस सर, और ए एफ किसके इक्वल आ गया, एफ जी के। एक बार जरा इस चीज को ध्यान से पढ़ो, जो मैंने ये फर्स्ट रिलेशन एंड सेकंड रिलेशन फ्रॉम वन एंड टू, नोट केयरफुली, ए एफ किसके इक्वल है, एफ जी के, ये रहा, और एफ जी किसके इक्वल है, सीजी सी जी के। ये तीनों लेंथ मैंने जस्टिफाई कर दी, बराबर हैं। लुक एट द डायग्राम नाउ, तो अल्टीमेटली मैंने क्या बता दिया आपको, ए एफ एफ जी एंड जी सी बराबर आ गए। सर। नाउ
ध्यान से सोचो एसी किसके इक्वल है, ए एफ प्लस एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी, और ये तीनों तो बराबर है, तो सर हम इसे एफ के उसमें लिख सकते हैं, थ्री टाइम्स ए एफ लिख दिया। यस सर। हैंड्स थ्रू। ओके सर। देखो आई एम वेटिंग, एक मिनट पहले और ध्यान से। Yes, ए टू सी तो कंस्ट्रक्शन करी गई है, पहले डायग्राम समझ लो। अब आप चेक करिए, ये क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन क्या है। एक स्टेटमेंट को भी एज अ रूल की तरह भी याद हो जाता है कि अगर आपने कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, एनी जनरल क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को जब ज्वाइन करा, वो हमेशा एक पैरलोग्राम होगा। तो प्रूव क्या करना है मुझे, बेसिकली पी क्यू आर एस इज अ पैरलेलोग्राम। कंस्ट्रक्शन का पर्पस सोचो, आप दो ट्राइंगल कौन कौन से बताऊंगा, एक तो एबीसी पे फोकस कर लो, आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है, पी एंड क्यू जो हैं वो मिड पॉइंट है, पी इज द मिड पॉइंट, क्यू इज द मिड पॉइंट। लेट मी हाईलाइट द ट्राइंगल, और मिड पॉइंट थ्योरम से क्या कह सकते हैं हम, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ए सी के या नहीं होगा। पी क्यू किसी भी ट्राइंगल में ये अगर इसका और ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करा तो ये अपोजिट ये पैरेलल होता है, दैट इज माय फंडामेंटल मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली मैं किस पे फोकस करने वाला हूं अब, विच ट्राइंगल, सोचो पी क्यू के रेफरेंस की तो मैंने ये लिख लिया। अब एसआर के रेफरेंस, हाँ बिल्कुल, तो ट्राइंगल मेरा जो विजुअल जो मेरे मन में बना है वो ये वाला ट्राइंगल होगा। Yes, इसमें ये और ये मिड पॉइंट है, तो इन ट्राइंगल डी ए सी क्या हो जाएगा, एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो आप श्योर समझ आ रहा है। ए सी के पैरेलल होने का मतलब मैंने क्या जस्टिफाई कर दिया, PQ is parallel to SR. अब इसके बाद देखो हम पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, हम क्या लिख देते हैं ऐसी सिचुएशन में जनरली, सिमिलरली
मैंने अभी तो ये वाला डायगनल ज्वाइन करा था इसी, अगर मैं डी बी ज्वाइन कर देता फिर ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से थ्योरम से ये और ये पैरेलल आ जाते और फिर ये और ये पैरेलल आ जाते, हेंस ये और ये पैरेलल हो गए, तो अपोजिट साइज पैरेलल हेंस पैरेललोग्राम। सर मतलब आर क्यू एस पी के इक्वल हाँ भाई मैंने अभी तो एक ही साइड पैरेलल दिखाई है ना, ए करना क्यू एंड एस आर, ये और ये दिखाई है, बट पी एस एंड एस आर ये भी तो पैरेलल होने चाहिए, तो वो आपको पूरा सिमिलरली कह के लिख के दिखा देंगे यार, कि व्हेन वी ज्वाइन दी बी टू डी और बी डी को ज्वाइन करने से वी कैन इजीली प्रूव दैट पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, अपोजिट साइड पैरेलल हेंस पैरेललोग्राम। Got it? Next result आपका आता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये पढ़ा हुआ आपने? ओके okay. सर अभी तो चेक दिस आउट, ऑब्वियसली ये डॉटेड वाला तो गिवन नहीं है, ये बाद में करा गया होगा, आप पहले पढ़ो क्या करें, प्रूव दैट इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब ट्राइंगल मेरा ये मेन था एबीसी, इसमें इंटरनल बाइसेक्टर कर दिया, क्या मतलब ये यहां से ये एंगल वन एंड एंगल टू इक्वल है, ठीक है, तो ये आ गया, और इसने डिवाइड करा अपोजिट साइड्स को इंटरनली कैसे, इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल, तो टू प्रूव क्या करना है, ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय डी सी, अगेन दिस विल बी लर्न्ड एज अ स्टैंडर्ड रूल, ऑब्वियसली अब आपके प्रूफ तो कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल बाइसेक्टर, हो गया ना ये लेंथ जा रही है तो ये इसने एंगल को बाइसेक कर दिया, तो क्या इक्वल आ जाएगा, ए बी बाय ए सी किसके इक्वल होगा, बी डी बाय डी सी, ठीक है, तो ये एज अ रूल आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट चेक आउट दिस क्वेश्चन, ये हो सकता है आपको लेबलिंग ना करी गई हो, वो आप लैंग्वेज को पढ़ो पहले, एडी इज द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब ऑब्वियसली एंगल बाइसेक्टर है ये एडी, और फिर कह रहे हैं ए बी 10 है, ये रहा ए सी 6 है, बी सी 12 है, बी सी 12 है, इसका मतलब ये पूरा 12 है, फाइंड बी डी एंड डी सी, तो आइडिया क्लियर है, अगर एक पार्ट को एक्स ले लिया तो ये वाला दूसरा 12 माइनस एक्स हो जाएगा, अब यूजिंग इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम ए बी बाय ए सी किसके इक्वल होगा, बी पुट द वैल्यूज 10/6 = x / 12 - 1, दैट्स इट, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू आ गई, दूसरी लेंथ 12 माइनस एक्स कहकर निकल जाएगी, इनफैक्ट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज आल्सो ट्रू, ठीक है, तो अगर आपके पास मान लो दिया होता ना
AB by AC है, BD by DC, तो उस केस का मतलब क्या हो जाता है कि भाई AD must be the angle bisector. Check out this. If the bisector of an angle of a triangle, triangle चलिए कैसा भी है, but condition क्या दी है? If the bisector of angle of a triangle bisects the opposite side, एक ये bisector है और इसने इसे bisect कर दिया है, तो bisect का मतलब ये A, BD और DC equal हो गए. Prove that triangle is isosceles. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ए बी बाय ए सी कितना हो गया? ए बी बाय ए सी ये हो गया बी डी बाय डी सी, बट बी डी डी सी के इक्वल गिवन है. ये इनकी रेशो वन आ गई, यहां पुट कर दिया. वन साइड इस तरह से इक्वल आ गई, ट्राइंगल मस्ट बी आइसोसेलेस. सर एक मिनट सर, ऐसे तो जब बी डी बाय डी सी हो गया था ऊपर, सर जब बी डी इज इक्वल टू सी डी हो गया था, अरे बी डी अगर डी सी के इक्वल है दोनों तरफ डिवाइड कर दो डी सी से. सर हम ऐसे कर सकते थे जैसे ए इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ACD, सर इसमें हम BD is equal to CD कर देते और उसके बाद AB is equal to AC, CP से लेके से आ जाता. पक्का आ जाएगा? सोचो कैसे. Which congruency, कौन सी congruency लगा रहे हो, नाम क्या है? आप चेक करो दोनों में कॉमन साइड ये ले रहे हो आप दोनों ट्राइंगल में, बट एंगल तो ऊपर वाला आपको गिवन है, तो क्या एस एस ए होती है? तो इसमें एस ए एस कहाँ लग रही है बताओ मुझे. क्या आपको एस ए एस का मतलब पता है ना, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए. वो जो ऊपर वाला एंगल है हाँ ए पे सर, वो दोनों हो जाता. चलो आप कह रहे हो तो मैं लेता हूं इस एंगल को. अब इसके साथ इंक्लूडेड एक साइड तो ये है, दूसरी साइड ये होगी और एक ये होगी इसकी. यस सर. क्या ये आपको इक्वल गिवन है? आपको ये इक्वल प्रूव करना है. जो प्रूव करना है आप उसी को कैसे इक्वल ले सकते हैं? मतलब सर जब हम कोई एंगल इक्वल लेते हैं तो सर उसके साइड भी इक्वल लेनी पड़ती है. लेनी पड़ती नहीं है, वो होती है या नहीं है वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है ना भाई. एस ए एस का मतलब क्या है पहली बात ये पता है कॉन्ग्रुएंसी में? यस सर, साइड एंगल एंड साइड. साइड एंगल एंड साइड में भी एक और चीज होती है कि अगर ये साइड है इक्वल और ये साइड है इक्वल, तो इनके बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए. यानी कि आपके पास सिचुएशन अगर ये है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और मैं एंगल ये वाला ले लूं, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है. ओके सर, समझ गए. इंक्लूडेड होना चाहिए. तो अब आप जिस तरह से इस मैं इस डायग्राम को थोड़ा और बड़ा करके बना रहा हूं, जिस तरह से आपने विजुलाइज करा कि चलो ये ए बी डी सी था, आपको सिर्फ डी मिड पॉइंट दिया हुआ है, चलो ये और ये इक्वल है और एक ये और ये इक्वल है. यस सर. अगर आप ट्राइंगल
एबीडी एंड कौन सा लोगे, एसीडी? इसमें आप चलो एक चीज कह दोगे, एडी इक्वल टू एडी कॉमन साइड, एंगल बीएडी किसके इक्वल कह दोगे, एंगल सीएडी गिवन है। थर्ड कौन सा लोगे, थर्ड के लिए मुझे क्या कंपल्शन है कि अगर मैंने एक साइड ये लिया है, एक एंगल अगर ये लिया है, तो ये साइड की ही बात करनी पड़ेगी एस एस लगाने के लिए, सर, जबकि ये ए बी और ए सी अगर इक्वल होता तभी तो ये ट्राइंगल में कॉन्गुरेंट कह सकता था, पर आपको ए बी और ए सी इक्वल गिवन नहीं है, ये तो मुझे प्रूव करना है, तो मैं यहां कॉन्गुरेंसी से नहीं सॉल्व कर सकता। चलिए ये बस होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा आपका। ओके एंड दिस इज अगेन ऑलरेडी डिस्कस्ड, ट्रेपीजियम के अंदर क्या कंसेप्ट है, अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात कर रहे हैं सिमिलैरिटी की, तो अभी तक तो ये बेसिक फंडामेंटल आइडिया आपका हो गया है, तो डू इट दीज टू क्वेश्चंस इन योर होमवर्क, राइट? थैंक चलो ओके, एंडिंग द क्लास, यू सर। या।